नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग भी CSP सेंटर खोलना चाहते हैं, आप लोग इंटरेस्ट हैं तो इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिए गाइज़। इस वीडियो से आप लोग को बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेंगे। तो गाइज़, इस वीडियो में आप लोग को बताए हैं कि आप लोग IDBI बैंक का बेसिक पॉइंट कैसे लेंगे गाइज़, बिल्कुल फ्री में, और आप लोग को क्या क्या सर्विसेज देखने को मिलते हैं और कितना कमीशन अर्न कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिए गाइज़। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले अपना एजेंट ID लॉगिन करके आप लोग को सर्विसेज़ के बारे में बताऊँगा गाइज़, और बिल्कुल दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पे अपना एजेंट आईडी फिल कर लिए गाइस, सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो मेरा रजिस्टर्ड नंबर पे एक ओटीपी आएंगे गाइस, उस ओटीपी को मैं फिल करूंगा। तो फिल करने के बाद यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर लेंगे गाइस। जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे मेरा पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर मांग रहा है, तो मैं यहाँ पे अपना आधार नंबर फिल कर लेता हूँ गाइस। फिल करने के बाद यहाँ पे कैप्चर पे क्लिक करना है गाइस। जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप लोग को यहाँ पे दिखाऊंगा गाइस कि आप लोग को क्या क्या सर्विसेज देखने को मिलते हैं, ताकि आप लोग भी एक CSP सेंटर खोल करके महीने का 30 से 40 हज़ार रुपया मंथली कमा पाएंगे। तो यहाँ पे मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ गाइस। क्लिक करने के बाद अब आप लोग को दिखाते हैं कि इसमें सर्विसेज क्या क्या देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है गाइस आधार बैंकिंग सर्विसेज। तो यहाँ पे आप लोग को बैलेंस रिक्वायरी पे दिखाता हूँ गाइस कि आप लोग को क्या क्या सर्विसेज मिलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को दो ऑप्शन मिलता है गाइस, ऑन अस और ऑफ अस का। ऑन अस में आप लोग का जो भी बैंक बीसी पॉइंट मिला है गाइस वो बैंक सेलेक्ट रहेंगे, और आप लोग ऑफ अस में आप लोग किसी भी बैंक का विड्रल इंक्वायरी मैनी स्टेटमेंट कर सकते हैं गाइज। और आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है गाइज डिपॉजिट, आप लोग डिपॉजिट भी कर सकते हैं गाइज इस बीसी पॉइंट लेकर के। तो इसके बाद गाइज आप लोग को मैं यहाँ पे बताता हूँ, देखिए यहाँ पे सेकंड में आप लोग को दिख रहा है गाइज सेकंड सर्विस, अकाउंट बैंकिंग सर्विसेज, जिसमें आप लोग को डिपॉजिट थर्ड पार्टी, मतलब आप लोग कोई भी बैंक में अकाउंट नंबर के थ्रू आप लोग यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं गाइज थर्ड पार्टी ऑप्शन की मदद से। और थर्ड में आप लोग को दिख रहा है गाइज कस्टमर सर्विसेज, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है गाइज कस्टमर भी KYC लिंक। तो अभी IDBI बैंक का भी वीडियो KYC के थ्रू ही अकाउंट ओपनिंग होता है गाइज, जो कि काफ़ी कमीशन ज़्यादा मिलते हैं। तो अगर आप लोग कमीशन वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है गाइज, आप लोग को वहाँ पर पता चल जाएंगे कि कितना ट्रांजेक्शन पर कितना कमीशन है, एक अकाउंट ओपनिंग पे कितना कमीशन है, पूरा डिटेल्स उस वीडियो में बताया गया है गाइज। और यहाँ पे आप लोग को अपना ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट भी देख सकते हैं गाइज, हिस्ट्री, जैसे आप लोग विड्रॉल किए हैं या मिनी स्टेटमेंट किए हैं, जो भी किए हैं गाइज, इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। तो गाइज IDBI बैंक का बेसिक पॉइंट लेने के लिए आप लोग को क्या करना होगा, तो गाइज सबसे पहले आप लोग के पास एक CSC सेंटर होना चाहिए गाइज। CSC सेंटर में आप लोग का IIBF सर्टिफिकेट होना जरूरी है गाइज। तो अगर आप लोग IIBF सर्टिफिकेट लिए हैं या आप लोग एग्ज़ाम नहीं दिए हैं IIBF सर्टिफिकेट का, तो नीचे लिंक है गाइज, उस लिंक की मदद से आप लोग अपना IIBF सर्टिफिकेट के लिए आप लोग रजिस्ट्रेशन कीजिए गाइज और एग्ज़ाम दीजिए। उसके बाद आप लोग को गाइज यहाँ पे बैंक मित्रा पे जाकर के रजिस्ट्रेशन करना है। तो इसका वीडियो आप लोग को अगले दिन में आ जाएंगे गाइज, जिसकी मदद से आप लोग IDBI बैंक बेसी पॉइंट के लिए आप लोग अपना अप्लाई कर सकते हैं गाइज। तो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा गाइज। थैंक यू गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो के लिए।